तो भाई लोकल हरियाणा मीडिया और फोरजी हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने जय ड्योड़ा की राम राम। तो भाई फिलहाल मौजूद हाँ खरखोदा कोर्ट में और लगभग 5-6 महीने से प्रवीण का केस चला हुआ है। बीच में भी ठंडा पड़ गया था, लेकिन आज की बात करेंगे। आज प्रवीण की भाई काउंसलिंग थी, सोनीपत थी, लेकिन कैसे एडजस्ट करके हमें यहाँ पर बुलाया है। तो आज पूछेंगे भाई क्या कुछ रहा है और किसने केस कर रखा था, किस केस की आज जो है काउंसलिंग थी। तो प्रवीण भाई सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो प्रवीण भाई आज जो है आपकी जो काउंसलिंग थी, मतलब लोकल हरियाणा मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम भाई। आप सभी जो है लगभग पिछले 6 महीने से एक ज्योति और प्रवीण का मामला हमारे चैनल पर और हरियाणा के तमाम चैनलों पर देख रहे हैं। पिछले कई महीनों से ये मामला हरियाणा में सुर्खियों में रहा भाई। बहुत ज़्यादा लोगों ने इस मामले को, इसमें इतना ट्रस्ट बन गया कि भाई लोग जानने के इच्छुक थे पल पल की खबर की प्रवीण का क्या हुआ, उसके बच्चों का क्या हुआ, ज्योति का क्या हुआ, क्या कुछ आजकल अपडेट है। तो भाई आज भी हमारे पास कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, कॉल आती है, आज भी पूछते हैं कि प्रवीण के बच्चे कैसे हैं, अभी क्या कुछ उनका स्टेटस है, क्या कुछ चला हुआ है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो एक बार बनाना मेरे लिए ज़रूरी था। आप सभी बार बार हमारे कमेंट करते थे नीचे कि भाई ज्योति और प्रवीण के जो मामले हैं उसकी अपडेट क्या कुछ है आजकल। तो भाई फ़िलहाल आप सभी को पता है कि ज्योति और प्रवीण का जो मामला है वो पंचायत से निकल के अब कोर्ट में जा चुका है। और कोर्ट का क्या डिसीज़न रहेगा, कोर्ट में क्या कुछ फ़ैसला होगा, कोर्ट के फैसले आने में जो टाइम लगता है आप सभी को पता है। लेकिन जो करंट की अपडेट होती है वो हमारे चैनल के माध्यम से हो या किसी और चैनल के माध्यम से हो, वो समय समय पर आपके साथ हम लोग शेयर भी कर देते हैं। फ़िलहाल की अपडेट ये है कि भाई जो प्रवीण ज्योति का मामला है इसमें जो है कोर्ट में काउंसलिंग चली हुई है। प्रवीण का अलग से केस चला हुआ है, ज्योति ने अलग से केस डाल रखा है और इन सभी केसों की महीने में 2 महीने में जो है काउंसलिंग होती रहती है। पीछे भी जो है कुछ दिन पहले काउंसलिंग हुई थी 21 तारीख को, उसके बाद अब आगे होगी काउंसलिंग। और प्रवीण ने जिस तरीके से बताया भी था भाई 25 तारीख दे रखी है काउंसलिंग की, उसमें क्या कुछ होगा, आमने सामने बातचीत होगी कुछ इस तरीके से कुछ बोलते हैं उसको, मेरे को अभी ध्यान नहीं है। आमने सामने बैठा करके वहाँ पर पुलिस प्रशासन बैठता है और दोनों पक्ष को वहाँ पर आमने सामने बातचीत होती है। कोर्ट की जहाँ तक कोशिश रहती है यही कि भाई इनकी रजामंदी हो जाए, कोर्ट का यही काम होता है, क्योंकि वो इसीलिए केस को इतने लंबा जो है लेकर के जाते हैं। और आप बच्चों की पूछ रहे, तो भाई बच्चे अभी जो है प्रवीण के बहुत अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं, उनको खाने पीने की प्रवीण ने बताया भी था। और प्रवीण भी अब काम करने लग गया है भाई, क्योंकि पहले आप बोलते थे कि प्रवीण ठाली घर पर रहता, लेकिन फ़िलहाल वो अपने काम धंधे में बहुत बिजी है लाइफ में। और उसके बच्चे भी उसके दादी के पास रहते हैं, दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। ये फ़िलहाल की अपडेट हमारे